गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास टेंथ नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 1A के पार्ट कराने जा रही हूँ। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित के मासापा ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले आपके पास फर्स्ट पार्ट है आपका 70 और 40, है ना। अब देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, इससे आपको HCF कैसे निकालना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, उसको बोलते हैं, या तो आप लिख दो सबसे पहले हल, है ना। सूत्र होता है आपके पास, देखो, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, है ना। ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है। अब देखो, हमें दो नंबर दिए हुए हैं, अब इस 40 का सबसे पहले 40 और 70 को हम डिवाइड कर देंगे। तो इसमें आप लिख दो कि 40, देखो 40 छोटा है तो छोटे की तरफ एरो का निशान लगा दो, और 70 बड़ा है, 70 की तरफ बड़े का निशान लगा दो, है ना। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड आप इस तरफ डिवाइड कर लो, यहाँ लिख दो 40 और इसको हमने 70 से डिवाइड कर दिया। देखो, वनजा चला गया, वनजा हो गया 40, माइनस कर दो 0 और यहाँ हो गया आपके पास 3, है ना। अब ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, हमें इस रूप में लिखना है। देखो, ये ए जो होता है आपका, ये बीच वाला नंबर होता है, ए का मतलब इसमें, इसको बोलते हैं बीच वाले नंबर को ए। बी होता है आपका 40, क्यू मतलब ये जो भागफल होता है, आर मतलब होता है आपका शेषफल नीचे। हमें इसी को स्टेप में लिखना है, सबसे पहले यहाँ डाल दो पार्ट वन आपका, हमें इसी रूप में, देखो ए हमारे पास यहाँ कितना है 70, यहाँ हमने देखो ए की जगह पर लिख दिया 70, इक्वल का साइन लगा दो। बी हमारे पास कितना है 40, क्यू हमारे पास कितना आया 1 इंटू, जब कोई बीच में नंबर नहीं होता है तो मल्टीप्लाई मान लेते हैं, इंटू 1 प्लस आर हमारे पास कितना आया 30, है ना। यह हमें तब तक निकालना है जब तक इसका ये यहाँ जो शेषफल है ये 0 ना आ जाए। अब अगले स्टेप में देखो, यहाँ और नीचे लिख दो कि यहाँ, देखो यहाँ हमने लिख दिया कि यहाँ शेषफल इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब इसके बराबर नहीं है। अब इसको आगे डिवाइड करते हैं, ये जो 40 है, 40 को आप इधर ले आओ, हमने 40 को हम इधर ले आए। अब देखो 31 जा 30, 0 यहाँ हो गया 1, अभी फिर देखो अभी 0 नहीं आया, ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। अब यहाँ पर लिख दो, ये देखो ये आपका सेकंड स्टेप हो गया, वही ए हमारे पास यहाँ कितना है 40, यहाँ लिख दो ए 40 इक्वल बी कितना है 30, हमने लिख दिया 30, क्यू हमारे पास है 1 और प्लस रिमाइंडर हमारे पास, यानी रिमाइंडर यानी शेषफल हमारे पास है 10। देखो फिर अभी ये आपका क्या हुआ, आपका जो आर है शेषफल अभी 0 नहीं हुआ है ना, यानी नीचे, तो यहाँ एक लाइन लिख दो कि अभी यहाँ शेषफल इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखो ये सेकंड स्टेप हो गया, फिर इसमें अब इस 10 को ये 30 यहाँ ले आओ, देखो यहाँ हमने ये हम 30 यहाँ ले आएंगे, 10 3 जा 30 हो गया ना, ये आपका ख़त्म हो गया, 0 आ गया, शेषफल 0 हो गया ना, यानी HCF कितना हो गया इसका, ये जो नंबर है देखो 10, ये इसका आपका HCF हो गया, है ना। अब यहाँ पर थर्ड स्टेप में लिख दो कि देखो थर्ड स्टेप आपके पास A की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो 10, A हमने लिख दिया, नहीं A की वैल्यू बीच वाली होती है, A की वैल्यू हो गई देखो 30 इक्वल्स टू, ये आपके पास B 10 है और क्यू 3, तो यहाँ लिख दो 10 × 3 + 0, देखो शेषफल 0 हो गया ना, यानी इसका जो HCF हो गया। अब यहाँ लिख दो कि यहाँ शेषफल बराबर है 0, अतः इसका HCF कितना हो जाएगा, यही जो आपका 10 है ना, यही इसका HCF हो जाएगा, अतः लिख दो HCF बराबर 10, ये हो गया आपका, है ना। अब इसका सेकंड पार्ट आप देखो, सेकंड पार्ट है हमारे पास 18 और 45, ये आपका सेकंड पार्ट है। फिर हमें सेम वही करना है, इसी रूप में लिखना है ना, कि सबसे पहले तो एरो का निशान लगा दो कि जो छोटा है, तो हमने लिख दिया 18 छोटा था, और ये देखो ऐसे समझ लो कि ये मछली का मुँह है, जिधर छोटा नंबर होगा उधर मछली कम खाएगी, है ना। अब हमें इसका, ये हमें इस रूप में लिखना है, यानी ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखना है और HCF निकालना है। तो हम यहाँ इसको डिवाइड कर देंगे, देखो 18 बाहर रख दो, 45 अंदर रख दो, 18 2 जा होता है आपका 36, फिर डिवाइड कर दो, इसको माइनस कर दिया तो यहाँ आ गया, देखो यहाँ इसने इसको दे दिया 15, 15 में से 6 माइनस हुआ तो बचा हमारे पास 9। अब
ये एक स्टेप कंप्लीट हो गया ना, लेकिन अभी यहाँ ज़ीरो नहीं आया। फिर यहाँ फर्स्ट स्टेप लिख दो, यानी फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या हो गया, ए हमारे पास है 45, तो 45 इक्वल्स टू बी है हमारे पास 18, क्यू है हमारे पास 2 और आर है हमारे पास 9। फिर यहाँ लिख दो अभी शेषफल इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, देखो लिख दो शेषफल इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसका अगला पार्ट देखो, अब हमें क्या करना है, ये जो 18 है इसको यहाँ उतार लो, 18 हमने यहाँ उतार लिया, 9 2 हो गया आपके पास 18, कट गया ना, शेषफल ज़ीरो आ गया। मतलब अब इसका पार्ट लिख दो यहाँ पर, सेकंड पार्ट आपके पास कितना आया, यहाँ ए हमारे पास है 18 इक्वल्स टू बी 9 × 2 प्लस आर हो गया ना, आर हमारे पास ये ज़ीरो हो गया, यानी इसका एच सी एफ कितना हो गया, इसका एच सी एफ हो गया 9। यहाँ लिख दो एच सी एफ इज इक्वल्स टू 9, है ना। अब इसका बच्चों थर्ड पार्ट आप देखो, अब देखो थर्ड पार्ट है इसका 56 और 88, है ना, 88 सेम वही, पहले एरो का निशान लगा दो जो छोटा है, यानी 56 छोटा है और 88 बड़ा है। अब हमें इसको लिखना है ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, है ना, इसी रूप का लिखना है। इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर 56 बाहर रख दो और ये 88 अंदर रख दो, डिवाइड कर दो, देखो 56 वनजा हो गया 56, देखो 56 वनजा 56, फिर माइनस कर दो, दोनों में माइनस कर दिए तो देखो 8 में से 6 माइनस हुआ 2, यहाँ पर आ गया आपके पास 3। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया ना, अभी शेषफल ज़ीरो नहीं है, तो यहाँ इसी रूप में लिख दो, ए होता है हमारा 88, यहाँ लिख दिया आपने, देखो फर्स्ट स्टेप ए हो गया 88 इक्वल्स टू ये बी आपका 56 × 1 प्लस 32, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर सेकंड स्टेप 56 को यहाँ उतार लो, फिर माइनस कर दो, देखो डिवाइड कर दो, 32 वनजा 32 माइनस कर दिया तो यहाँ बचा देखो 4 और यहाँ बचा आपके पास 2, अभी भी नहीं पूरा है। फिर इसको यहाँ लिख दो शेषफल इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। अब फिर वही देखो सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप हमारे पास ए हमारे पास कितना है 56 और बी है हमारे पास 32 × 1 प्लस 24, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर भी देखो लिख दो शेषफल इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब अगला स्टेप इसमें देखते हैं, 24 को बाहर रख दो, ये जो 32 है इसको इधर रख दो, फिर वनजा हो गया देखो 24 माइनस कर दिया तो हमारे पास बचा, यहाँ इसमें से इसको माइनस कर दिया बचा 8, है ना। फिर यहाँ लिख दो थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप हमारे पास हो गया पहला वाला अंदर देखो 32 ये फिर इक्वल्स टू 24 × 1 और प्लस आर, है ना, ये हो गया आपके पास। फिर इस नंबर से फिर इसको डिवाइड कर दो, यहाँ हो गया देखो 24। अब ये इस बार ख़त्म हो गया, देखो 8 8 3 24, है ना, यहाँ हो गया आपके पास 3, ये हो गया 24 और ये आपका कट गया, रिमाइंडर शेषफल 0 आ गया ना, तो यानी इसका एच सी एफ इसका यहाँ लिख देना कि शेषफल इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इसका फोर्थ पार्ट में लिख दे रही हूँ, फोर्थ से क्या है 24 इक्वल्स टू देखो 8 × 3 प्लस 0, है ना, तो ये देखो एच सी एफ इक्वल्स टू कितना हो गया, यही जो 8 है यही इसका एच सी एफ हो गया ना। अब इसका फोर्थ पार्ट आप देखो, देखो फोर्थ पार्ट है 155 और 1385, फिर वही लिख लो, देखो हमें यहाँ लिख दो आप हल, और इसमें छोटा नंबर है आपका 155 और एरो का निशान इधर लगा दो, ये हो गया 1385, है ना। अब डिवाइड कर दो इसको और हमें इसको ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखना है, इसको डिवाइड कर देते हैं, देखो 155 को बाहर रख लो, ये हो गया आपका 1385, ये हमारा चला जाएगा आपका, देखो 1385 है, ये जाएगा 8 बार में, आप इसको 155 को 8 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1240, है ना। अब 1240 माइनस कर दो, देखो 5, यहाँ आ गया आपके पास 8 में से 4 माइनस हुआ और ये हो गया 1, यानी 145। अभी शेषफल 0 नहीं आया ना, इसको इस रूप में लिख दो, ए हो गया हमारे पास 1385
85 इक्वल्स टू 155 इंटू 8 इक्वल्स टू 145 प्लस, है ना। अब यहाँ लिख दो शेषफल इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, अभी शेषफल ज़ीरो नहीं है। फिर यही वाला नंबर यहाँ रख लेते हैं, देखो 155 हमने यहाँ रख दिया, वन सा चला गया, माइनस कर दो, यहाँ आ गया आपके पास ज़ीरो, यहाँ आ गया वन, है ना, अभी भी शेषफल ज़ीरो नहीं आया। तो ये देखो ये फर्स्ट स्टेप था आपका, ऐसे लिख दो फर्स्ट स्टेप। अब यहाँ लिख दो देखो ये सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, यही 155 यहाँ रख दो इक्वल्स टू 145 इंटू 1 प्लस 10, है ना, लिख दो शेषफल इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हो गया। फिर ये 145 को इस बार फिर यहाँ रख दो, है ना, अब इसको डिवाइड कर दो फिर से। डिवाइड करेंगे तो 10 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले 10 वनजा हो गया हमारे पास, 10 वनजा 10, यहाँ आ गया 4, फिर 5 उतार लिया, देखो 10 फोर ज़ा 40, माइनस 5 आ गया ना। अब अभी भी देखो शेषफल ज़ीरो नहीं है, तो हमारे पास थर्ड स्टेप भी लिख दो यहाँ पर। थर्ड स्टेप हो गया आपके पास, बी आपके पास कितना था 145, आपने लिख दिया 145 बराबर, ये देखो ये 10 इंटू ये कितना आया 14, और प्लस शेषफल कितना आया 5, यहाँ भी लिख दो अभी शेषफल इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना। फिर अगला स्टेप देख लो 5, अब यहाँ ये वाला 10 उतार लेते हैं, ये हमने 10 उतार दिया, 5 2 10, देखो ये ख़त्म हो गया ना, शेषफल ज़ीरो आ गया। यहाँ लिख दो फोर्थ स्टेप में क्या, यही वाला बीच वाला नंबर यानी 10 इक्वल्स टू में 5 इंटू 2 प्लस 0, यहाँ लिख दो यहाँ शेषफल बराबर 0 है, तो HCF बराबर हो गया, यही जो आपका 5 है ना, यही इसका आपका HCF हो गया, HCF बराबर 5। अब इसका पार्ट ऑफ फिफ्थ देखो, है ना बच्चों। मेरे चैनल को अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को मेरे शेयर भी करना। मैं इसी चैनल पर आपको टेंस भी सिखाती हूँ, आओ टेंस सीखे मैं, आप वहाँ पर भी जाकर देख लेना, है ना। देखो ये हमारे पास ही 105 और 135 हो गया। अब जो छोटा नंबर है उसकी तरफ एरो का निशान लगा दो, 105 छोटा है 135 बड़ा है, हमें इसको ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखना है, है ना। इसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमने रख दिया 105 बाहर रख दिया और 135 अंदर रख दिया, देखो वन सा चला गया, 105 माइनस कर देंगे तो आ गया हमारे पास 30। अभी देखो शेषफल ज़ीरो नहीं आया ना, यहाँ इसको इस रूप में लिख दो, ए होता है हमारा 135 इक्वल्स टू में, ये देखो बी हो गया 105 इंटू 1 प्लस ये जो शेषफल 30 हो गया। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में देखो यहाँ लिख दो शेषफल इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, अब ये 105 यहाँ उतार लेते हैं, 30 में से इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया, देखो कितनी बार में जाएगा, ये चला जाएगा आपका 3 बार में, 3 बार में आ गया 90, माइनस कर दो तो आ गया 15, अभी भी शेषफल ज़ीरो नहीं आया। तो ये आपका देखो फर्स्ट स्टेप था, यहाँ सेकंड स्टेप क्या है, 105 इक्वल्स टू में 30 इंटू 3 प्लस 15, फिर शेषफल इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हो गया, है ना। अब फिर इसको देखो ये जो 15 30 है इसको यहाँ ले आओ, 15 2 30 ज़ीरो हो गया ना, यानी इसका HCF कितना हो गया, यही 15, लेकिन इसको इस रूप में लिख दो थर्ड में कैसे, ए हो गया हमारा 30, फिर 15 2 प्लस 0, है ना, यहाँ शेषफल बराबर 0 के बराबर है ना, अतः HCF आपका हो गया CF बराबर 15, यही जो नंबर है ये इसका HCF हो गया। अब इसका पार्ट 6 देखो, 6 पार्ट है हमारे पास, पार्ट 6 है आपका 506 और 1155, है ना, 1155 सेम वही प्रोसेस हमें इसमें भी फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करो, एरो का निशान लगा दो, जो छोटा है यानी 506 छोटा है 1155
बड़ा है ना। अब देखो हमें इसको इस रूप में लिखना है, यानी a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखना है। डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर जो छोटा है उसको बाहर रख लो, 506 और 1155 डिवाइड कर लोगे तो ये जाएगा दो बार में, 506 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो हो गया देखो 1012, माइनस कर दिया तो आ गया देखो यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 1, है ना। अभी ये नीचे 0 नहीं आया तो यहाँ लिख दो, देखो स्टेप फर्स्ट में आपने क्या लिखा, ये ए होता है आपका 1155, ए 1155, फिर बी हो गया 506 इंटू 2 प्लस ये, है ना। यहाँ लिख दो शेषफल इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। फिर अब इसके बाद ये जो 506 है इसको यहाँ लिख दो, देखो 506। अब फिर इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 143 का टेबल आप 3 बार पढ़ोगे तो हो जाएगा आपका 429, यहाँ लिख दो 429, माइनस कर दोगे इसने इसको कैरी दे दिया तो हमारे पास हो गया देखो यहाँ हो गया 16 और इसमें से ये माइनस हुआ तो बचा 7 और इधर भी देखो इधर भी बचा आपके पास या 9, ये 7 बच गया ना। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया तो हम इसको फिर से लिख देंगे, देखो सेकंड स्टेप है हमारा 506 इक्वल्स टू 143 इंटू 3 प्लस 77, फिर लिख दो शेषफल इज नॉट इक्वल्स टू 0। फिर अब देखो इसी नंबर को ये हमारे पास ये जो 143 है इसको फिर इधर लिख दो, इसे डिवाइड कर दो तो 77 वनजा चला जाएगा, ये हो गया आपके पास 77 वनजा, 77 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 66, ये आ गया है ना। अभी भी शेषफल 0 नहीं है तो हम इसको फिर देखो, अभी दूसरे पेज पे देख लो है ना, यहाँ तो फिर इसका थर्ड पार्ट ऐसे लिख दो, थर्ड स्टेप क्या है, सबसे पहले ए हमारे पास हो गया देखो 143 इक्वल का निशान, यहाँ ये हो गया आपके पास 77 इंटू कितना है 1 और प्लस आर कितना आया 66, यहाँ फिर लिख दो देखो ये है ना, नीचे लिख दो ये देखो ये ऐसे है शेषफल इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये लिख दिया हमने शेषफल इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। अब इसका अगला पार्ट देखो, यहाँ से मैं बता दे रही हूँ आपको थोड़ा सा, ये देखो ये इधर कर लेते हैं, ये हमारे पास हो गया, इसको यहाँ लिख दे रही हूँ मैं आपका, फिर से समझ लो कि ये 66 लिखा है ना, यहाँ हमने उतार लिया 77, 66 वन जा 66, माइनस कर दिया तो हो गया देखो यहाँ 1 और यहाँ भी 1 आ गया, अभी भी 0 नहीं आया तो अगला लिख दो। फोर्थ स्टेप आपके पास हो गया 77 इक्वल्स टू 66 इंटू 1 और प्लस 11, फिर यहाँ लिख दो कि शेषफल इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। अब यही देखो इस बार ख़त्म हो जाएगा, देखो 11 सिक्स 66, ये ख़त्म हो गया आपके पास है ना, 0 आ गया नीचे, यहाँ 0 लिख दो आपका। तो अगला स्टेप में लिख दो, अगला स्टेप आपके पास फिफ्थ स्टेप है आपके पास ये वाला, यहाँ लिख दो देखो 66 इक्वल्स टू में 11 इंटू 6 और प्लस 0, यहाँ देखो शेषफल बराबर हो गया आपके पास 0 के, अतः एच सी एफ बराबर यही जो 11 है ना ये इसका एच सी एफ हो गया, है ना। देखो अगला है पार्ट इसका सेवन्थ आपका 575 और 1288, हमने छोटे की तरफ एरो का निशान लगा दिया, अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 575 को बाहर रख दो और 1288 को अंदर रख दो। सबसे पहले आपका देखो टूजा चला जाएगा, टूजा हो गया आपके पास 1150, जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 138, है ना। इसको इसी स्टेप में लिख देते हैं, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के रूप में, है ना, ए हमारे पास है 1288 बराबर में देखो 575 इंटू 2 प्लस 138, ये हो गया आर। अब यहाँ फिर लिख दो कि शेषफल इज नॉट इक्वल्स टू 0, अब यही यहाँ 575 यहाँ उतार लो, है ना। अब कितनी बार में जाएगा देखो, अब ये जाएगा आपका 4 बार में गया तो ये हो गया आपके पास 552, है ना, 552 माइनस कर दिया तो आ गया
23। फिर अगला स्टेप लिख दो, ये देखो ये स्टेप फर्स्ट हो गया और यहाँ हो गया आपका ये स्टेप सेकंड। फिर वही लिख दो, स्टेप सेकंड कितना है 575 इक्वल्स टू में 138 इंटू 4 और प्लस 23 है ना। अब यही वाला नंबर यहाँ उतार लो, 138 उतार लिया। अब आपका 23 को हमने 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 138। शेषफल ज़ीरो आ गया ना, यहाँ लिख दो, यहाँ पर ये देखो ये हमने स्टेप लिखा, यहाँ लिख दो कि शेषफल इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है ना। अब थर्ड स्टेप में देखो, थर्ड स्टेप हमारे पास था 138 इक्वल्स टू में 23 फिर इंटू 6 और प्लस 0, यहाँ शेषफल बराबर है 0 के, अतः एच सी एफ बराबर है देखो 23 हो गया है ना। अब इसका पार्ट एट्थ पार्ट देखो, एट्थ पार्ट है इसका ये आपका 657 और 963 है ना। फिर वही देखो, हमें इसको सबसे पहले जो छोटा नंबर है उसकी तरफ, छोटे की तरफ निशान लगा दो है ना। तो हमने छोटा नंबर ये है तो हमने लिख दिया 657 और 963। अब ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखना है, इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड कर देंगे तो 657 को बाहर कर दो और इसको अंदर लिख लो, 963 को अंदर रख लो, डिवाइड कर दो, वनजा चला गया। देखो 657 माइनस कर दो, 657 माइनस हो गया तो हमारे पास यहाँ आ गया, देखो ये हो गया 6, ये 0 और ये 3 है ना। फर्स्ट स्टेप अभी 0 नहीं हुआ ना, इसको इस रूप में लिख दो। देखो फर्स्ट स्टेप हमारा 963 इक्वल्स टू में 657 इंटू 1 और प्लस 306, ये पूरा 0 है ना। यहाँ लिख दो शेषफल इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ये देखो शेषफल इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये हो गया। अब फिर वही इसको यहाँ उतार लो, 657। अब ये चला जाएगा दो बार में चला गया आपका, आ गया ये 612 है ना। देखो 612 माइनस कर दो, यहाँ आ गया 5 और यहाँ आ गया आपके पास 4 है ना। अब फिर यहाँ लिख दो, सेकेंड स्टेप आपके पास है 675 इक्वल्स टू में 306 इंटू 2 प्लस 45 है ना। फिर लिख दो शेषफल इज नॉट इक्वल्स टू 0 है ना, अब इसके बराबर नहीं है। अब फिर यहाँ देख लो 306 को, फिर 306 यहाँ उतार लेते हैं। अब देखो हमने इसको डिवाइड करा तो ये 45 चला गया आपके पास, बार में 45 गया आपका 6 टाइम में है ना, 6 टाइम में गया तो हो गया आपके पास ये 270। देखो 270, अब देखो माइनस कर दो इसको, जब हमने यहाँ इसको माइनस कर दिया तो यहाँ देखो ये आ गया आपके पास 6 और यहाँ इसको माइनस कर दिया 30 में से, ये पूरे 10 में से, तो ये हो गया देखो 36। फिर यहाँ लिख दो स्टेप, यही स्टेप आपका थर्ड स्टेप था कि बीच वाला यहाँ नंबर लिख दो। देखो 306 इक्वल्स टू 45 इंटू 6 और प्लस 36 है ना। यहाँ भी लिख दो शेषफल इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये हो गया। फिर यहाँ नंबर उतार लो, ये हमने देखो 36, थोड़ा सा देखो इधर लिख दे रही हूँ, 36 मैंने फिर से यहाँ लिख दिया, आप देख लो है ना। अब 45 यहाँ उतार लो, देखो 45 यही आपको यहाँ लिखना था, मैं यहाँ लिख के बता दे रही हूँ है ना। तो अब ये आपका चला गया, देखो 36 वनजा 36 माइनस कर दोगे तो आ गया 9 है ना। फिर यहाँ आपको यही स्टेप लिखना पड़ेगा, फोर्थ स्टेप हो गया आपके पास 45 इक्वल्स टू में 36 इंटू 1 और प्लस 9, यहाँ भी शेषफल 0 नहीं है। अगला स्टेप देख लो, ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ये 9 4 36 है ना, 0 आ गया, यानी एच सी एफ कितना हो गया 9। इसका स्टेप लिख दो, यहाँ लिख देना शेषफल इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है ना। अब यहाँ ये हो गया आपके पास फिफ्थ स्टेप कितना, 36 इक्वल्स टू 9 इंटू में 4 और प्लस 0, ठीक है। तो यहाँ लिख दो शेषफल बराबर है आपका 0 के, तो
एच सी एफ बराबर है आपका 9, है ना। अब इसका पार्ट 9 अब देखो इसका 9th पार्ट आप देख लो। इसमें टोटल 10th पार्ट है ना। जो छोटा नंबर है यानी 270 पे एरो का निशान लगा दिया, 1040 हो गया, है ना। हमें इसको लिखना है ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखना है। डिवाइड कर दो, 272 बाहर रख दो और ये हमने रख दिया 1040 अंदर रख दिया। फिर डिवाइड कर दो तो देखो ये 3 बार में चला गया, 3 बार में हो गया आपके पास 816। माइनस कर दिया तो यहाँ आ गया आपके पास ये 224, है ना, पूरे में से माइनस कर दिया। स्टेप लिख दो यहाँ पर, ये हो गया आपके पास फर्स्ट स्टेप था। 1040 बराबर है देखो 272 इंटू 3 और प्लस 224, है ना, ये ऐसे कर दो अलग 224। फिर यहाँ लिख दो शेषफल इज नॉट इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ ये 272 इधर उतार लो, फिर ये वंजा चला गया आपके पास, हो गया देखो 224। माइनस कर दोगे तो आ जाएगा देखो यहाँ आ गया 8, यहाँ आ गया 4, है ना। अभी भी शेषफल 0 नहीं है तो सेकेंड स्टेप में फिर वही लिख दो 272 इक्वल्स टू में 224 इंटू 1 प्लस 48 लिख दो, शेषफल इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। यहाँ फिर यही देखो, ये यहाँ उतार लो 224 हमने यहाँ उतार लिया। अभी आपका चला गया देखो 48, फोरजा चला जाएगा, है ना, फोरजा हो गया आपके पास 192। माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 32, है। फिर स्टेप देखो अभी 0 नहीं हुआ, थर्ड स्टेप में लिख दो यहाँ पर 224 इक्वल्स टू में 48 इंटू 4 प्लस 32। फिर लिख दो शेषफल इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। फिर यहाँ यही देखो ये, फिर यहाँ देखो मैं इसको यहाँ बता दे रही हूँ आपको, ये ऐसे देख लो कि 32, यहाँ देखो ये हो गया 48, वंजा हो गया देखो 32। माइनस कर दिए तो आ गया 16, है ना, अभी भी शेषफल 0 नहीं हुआ। फिर यहाँ लिख दो फोर्थ स्टेप में 48 इक्वल्स टू में 32 इंटू 1 प्लस 16, है ना, और शेषफल इज नॉट इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ देखो 32 16 दुनी 32 कट गया, 0 आ गया ना। तो फिफ्थ स्टेप में ही ख़त्म हो गया और HCF यही इसका 16 HCF हो गया। लिख दो 32 इक्वल्स टू में 16 इंटू 2 और प्लस 0, या लिख दो यहाँ शेषफल बराबर आपका 0 है। तो अतः HCF बराबर हो गया 16, है ना, यही इसका HCF हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट इसी फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, पार्ट आपका 10, है ना, 10th पार्ट है आपके पास कि 968 और 231, है ना। वही सबसे छोटे की तरफ देखो 231, छोटे की तरफ निशान लगा दिया, ये 968 हो गया। फिर हमें इसको ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के रूप में रखना है। इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर दो देखो 231 बाहर रख लो, 968 अंदर रख लो। फिर ये हो गया आपके पास देखो 4 बार में चला गया तो हो गया देखो 924। माइनस कर दो आ गया देखो 4, यहाँ पर भी 4। अभी स्टेप 0 नहीं आया ना, यहाँ इसी को स्टेप लिख दो। फर्स्ट स्टेप हो गया 968 ये वाला, फिर 231 इंटू 4 और प्लस 44, ये इधर से ऐसे, है ना। तो यहाँ लिख दो शेषफल इज नॉट इक्वल्स टू 0। फिर ये 231 उतार लो यहाँ पर। अभी आपका 5 बार में चला जाएगा, अब जाएगा 220। माइनस कर दोगे तो आ गया 11, अभी भी शेषफल 0 नहीं है। अगले स्टेप में यहाँ फिर लिख दो, सेकेंड स्टेप हो गया आपके पास 231 इक्वल्स टू में 44 इंटू 5 और प्लस 11, है ना। अब फिर लिख दो यहाँ पर शेषफल इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब अगला देखो, फिर यहाँ 44 उतार लो, 11 फोरजा 44, देखो ये ख़त्म हो गया ना, स्टेप 0 आ गया, यानी ये थर्ड स्टेप में आपका कंप्लीट हो गया। लिख दो 44 इक्वल्स टू में 11 इंटू 4 प्लस 0, लिख दो यहाँ
शेषफल बराबर है जीरो के, तो अतः एच सी एफ बराबर हो गया आपके पास क्या रहा, यही इसका लास्ट का ये एच सी एफ हो जाता है इसका, है ना। अब बच्चों इसका आपको इसका सेकंड पार्ट कराने जा रही हूँ। सेकंड पार्ट बच्चों मैं इसका दूसरी वीडियो में कराऊंगी आपका, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, और मैं ऐसे ही नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही देती रहूँगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि समझाने का तरीका कैसा लगा, है ना। बाय बच्चों।